शाहरुख खान की डंकी मूवी देखी आपने? यस सर, थोड़े पहले की, बहुत ही शानदार लगी, एक नंबर की, फुल पैसा वसूल, क्या ही बताऊं यार, दिल खुश हो गया, शाहरुख खान ने दिल जीत लिया, मूड दिन बना दिया, बहुत ही कमाल की। ये मूवी इंटरवल के पहले अच्छी लगती कि बाद में? भाई ये स्टार्टिंग से मेरे को अच्छी लगी है, बाकी लोगों की चॉइस है कि किसको कहाँ से अच्छी लगी, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से अच्छी लगी, क्योंकि इनका जो नोटी जो प्रेम दिखाया गया, थोड़ा लव एंगल दिखाया गया, वो भी मेरे को अच्छा लगा। और मेरे को ये भी अच्छा लगा कि इसमें तापसी पन्नू ने जो सपोर्टिव रोल है ना, मतलब जिस हिसाब से भले लोग जो खोती रहती उनकी, लेकिन जिस हिसाब से सपोर्ट करती है इंग्लिश को लेकर के, वो लोग सब सीखे ज़्यादा स्पॉइलर दूंगा तो मजा हो जाए। बहुत ही शानदार स्टोरी लाइन सर, और बाकी इसमें शाहरुख खान भी, उनको यकीन है कि भाई सभी लोग साथ में है, मतलब एक्शन के मामले में, एक्शन तो नहीं है कुछ लास्ट में थोड़ा सा, लेकिन कंटेंट के मामले में, कहानी के मामले में बहुत ही बेहतर फिल्म है। और इसमें विकी कौशल का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पर अच्छा है। और इसमें बाबा निरानी भी देखे थोड़ा सा ही, और फुल पैसा वसूल है सर, बहुत ही पैसा वसूल है, और इसका बीजीएम भी बहुत ज़्यादा धांसू है, इसका जो लुट पुट गया वो गाना मेरा फेवरेट है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें दो ही गाने हैं, लुट पुट गया और एक वो निकले थे कभी हम घर से, और शाहरुख खान की ज़्यादातर फिल्मों में एक दो ही गाने होते, ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि पठान में भी था, जवान में भी था, ज़्यादा गाने नहीं थे, ये फुल पैसा वसूल फिल्म लग गया, एक नंबर की, दिल जीत लिया। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं इसको दूंगा सर 5 से पूरे 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।